Hello everyone, I am Dr. Bharti Jindal, practicing in Meerut at Saket and consultant Dhanvantri Hospital. आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस पैंडेमिक में प्रेगनेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। कोरोना वायरस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो दूसरों की खांसने छींकने से इन्फेक्टेड पर्सन से एक दूसरे से फैलता है। प्रेगनेंसी अपने आप में एक लो इम्यूनिटी स्टेट होती है जिसमें ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच हो सकता है। आप लोगों को प्रेगनेंट वुमेन को वही प्रिकॉशन हमें फॉलो करनी चाहिए जो इन जनरल पब्लिक गाइडलाइन दी गई है बताई गई है, जैसे खांसते वक्त अपने मुंह पर हाथ रखें और बार बार हाथों को धोती रहें। साथ के साथ में जो लोग बीमार हों उनसे 1 मीटर की दूरी पर दूरी बनाए रखें। ट्रैवलिंग ना करें, घर में ही रहें और स्पेशली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का प्रयोग ना करें। हमारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें रूटीन चेकअप के लिए प्रेगनेंसी में जाना चाहिए इस एनवायरनमेंट में या नहीं जाना चाहिए, या हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ही जाएं। रूटीन इन्वेस्टिगेशन से आपकी कोई भी मेजर इन्वेस्टिगेशन मिस नहीं होगी। इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम आपके पानी का छूटना, ब्लीडिंग का होना, बच्चे के मूवमेंट का कम होना या लेबर पेन का स्टार्ट हो जाना, ऐसी कंडीशन में हमें हॉस्पिटल में तुरंत कॉन्टैक्ट करके रखना है। हॉस्पिटल और डॉक्टर्स 24/7 वर्किंग हैं। आप लोगों को इसका डाउट नहीं होना चाहिए कि हम हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेंगे या हॉस्पिटल बंद होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सोर थ्रोट, फीवर, माइल्ड फीवर, हल्का बुखार या खांसी भी है तब भी हमें प्रेगनेंसी में ज़रूर चेकअप कराना चाहिए, जिससे आपकी ज़रूरी जाँचें भी की जा सके। साथ ही डिलीवरी का टाइम जिनका भी नज़दीक हो उस बात का ध्यान रखें कि हमें डॉक्टर से पहले ही कांटेक्ट करके रखना है, जिससे लास्ट टाइम में हमें कोई भी परेशानी, क्योंकि डिलीवरी पेन आपके हाथ में नहीं है इसलिए आप 24/7 कभी भी पेन आने पर हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं।